ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कुंभ मेला का निमंत्रण मिल गया। ये कुंभ मेला में कि ऐसे मेला हो रहा है और वो बहुत बड़ा मेला था, जैसे और 12 साल का 12 कुंभ पूरा होता है तो उसको कुंभ कहते हैं, 12 साल का। तो 6 साल में आधा कुंभ, 12 साल में कुंभ, और ऐसे 12 साल का 12 कुंभ हो जाए तो वह महाकुंभ। तो 1954 का जो था वो महाकुंभ था, 144 साल के बाद वाला। उसकी बड़ी जोरों से तैयारी थी, बहुत उसकी धूमधाम, बड़ी महिमा थी कि महाकुंभ है, महाकुंभ है, 144 साल के बाद पड़ा है। तो भाई आप निमंत्रण पर आओ। तो जिसने निमंत्रण दिया, फिर गंगे दादी और फिर भवानी कुमारका दादी को भी भेज दिया, कुंभ मेला में जाओ। विश्व आनंद किशोर दादा को भेजा पीछे से कि जाओ, इलाहाबाद में कुंभ है, वहाँ सेवा करना है। लेकिन सवाल तो इस बात का है कि जब गंगे दादी कुंभ मेला में गए तो वहाँ कौन ये राउटी लगा के दे, टेंट बना के दे, फूस फास इकट्ठा करे, क्योंकि उसमें फूस बिछाया जाता था बैठने सोने के लिए। तो किसी के बस का नहीं था। बाबा ने इतने प्यार से पाला था राजाओं की तरह, तो कैसे ये फूस की झोपड़ी बना लेंगे। कोई शिष्य भी नहीं था कि शिष्य लोग बना दें और गुरु लोग आ जाएं कैंप में। मना कर दिया, कहा हम यहाँ कुंभ में कुछ नहीं करेंगे, हमसे तो आप स्कूल कॉलेजों की सेवा करा लो। जब इतना बोला तो 17 भाषण किया दादी ने स्कूल कॉलेजों में। उन्हीं में से एक कॉलेज में मजिस्ट्रेट की लड़की पढ़ती थी, उसने अपने घर में जाके बोला कि पिताजी हमारे तो कॉलेज में देवियाँ आई थी, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हैं, और आप कभी चलो देखो मिलो। तो वो जाके जब मिले बच्ची के कहने से, बहुत अच्छा लगा। और यही प्रस्ताव उन्होंने भी रखा कि सारे देश के तो संत महात्मा, बड़े बड़े मंडलेश्वर कुंभ में आ रहे हैं, आप भी कुंभ में आ जाओ। तो दादी ने कहा हमने देख लिया, हमारे तो बस का नहीं है। बोले ऐसा है कि हम तो हैं मेला मजिस्ट्रेट और हम सिटी मजिस्ट्रेट भी हैं, तो नगर मजिस्ट्रेट होने के कारण, मेला मजिस्ट्रेट होने के कारण हमारी जो साधन सुविधा हम आपको देंगे, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठ के चलो और आप देख लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो रह लेना। जब ले गए तो जो मेला मजिस्ट्रेट का कैंप था, उस कैंप में सब सुविधाएं थी, सिटिंग रूम भी था, तो सोने का भी रूम था, किचन भी था, पानी का हैंडपाइप भी लगा था। सिंध प्रांत की संस्था है, ये दादियाँ भी सिंधी हैं, तो थोड़ा तो लगता ही है। तो उन्होंने कहा हमारे प्रांत की आई हुई देवियाँ वहाँ से निकली हैं, तो मैं चलूँगा लेने। जब वो लेने के लिए गए तो पहले ही दादी ने बता दिया था निगम साहब को कि हम किसी के घर में नहीं ठहरते हैं, हमको अलग से धर्मशाला में आप रखिएगा। तो उन्होंने आर्या नगर की धर्मशाला बन के तैयार हुई थी, उसका रूम बुक कर लिया था। लेकिन जब वो सिंधी भाई, आप सब तो शायद नहीं जानते होंगे, उनका नाम था बीरूमल जी, लेकिन हाँ उनका एक परिचय है कि चुन्नीगंज में विवेक टाकिज है, वो विवेक टाकिज वाले ही बीरूमल जी हैं जिन्होंने कहा कि मैं ले चलता हूँ। उन्होंने फिर आए धर्मशाला में, दादी को नहीं उतारा, कहने लगे ऐसे कैसे होगा, हम लोग तो महलों में रहे और हमारे देश की देवियाँ और उनको हम धर्मशाला में रखें, ये तो हमसे नहीं होगा, आपको तो चलना पड़ेगा, हम किसी कीमत पे धर्मशाला में नहीं रखेंगे। दादी ने फिर वही अपना प्रस्ताव रखा, हम घर में नहीं रहते हैं प्रवृत्ति वालों के बीच में। बताया नहीं नहीं मेरा एक बेटा अमेरिका में है और उसके लिए मैंने पूरा पोषण बना के रखा है, उसमें कोई ने प्रवेश भी नहीं किया है, उसने शादी तो किया नहीं, जब आएगा तब आएगा, आप चलिए पूरा पोषण ले लीजिए। तो उसी में ही दादी को उतारा, एकदम फ्रेश पवित्र शुद्ध स्थान, खाने पीने का राशन पानी बनाने का सब प्रबंध कर दिया। तो जब इलाहाबाद से दादी चले थे तो कोई ट्रेन में मिल गया था, जिसने पूछा आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो बताया, तो कहा अच्छा ऐसा है
कि वहाँ हमारे एक मित्र रहते हैं कानपुर में, और वो बहुत सज्जन हैं, आप उनसे मिलना, वो आपका सब प्रबंध बहुत अच्छे से करा देंगे। तो उनके नाम से चिट्ठी लिख के दे दिया। और जब दादी जी ने बीरूमल जी से कहा, डेमला जी से, कि ये आप व्यक्ति को बुला लीजिए, आप जानते हैं, वो तो कह रहे थे हमारे मित्र हैं, तो इनसे हमें मिलवा दीजिए। तो जब उन्होंने पत्र पढ़ा, तो पत्र पढ़ के खूब ज़ोर से हंसे, कहा आपको हंसी क्यों आ रही, कहा मैं ही तो हूँ, ये पत्र तो मेरे लिए लिखा गया। तो इसको कहते हैं कि करण करावन हार, जानी जानन हार, त्रिलोकी त्रिकालदर्शी को सब पता है। तो पहले से सब तैयारी करा दिया। तो वहाँ फिर बीरूमल जी तो जैसे व्यक्ति होंगे उसी प्रकार से उनके मिलने वाले होंगे, बुला बुला के सेवा शुरू कराया। और उसी में ही फिर जो है अपने गुप्ता भाई जी जो अशोक अनिल भाई के पिताजी हैं, तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने की इंश्योरेंस कंपनी थी रूबी इंश्योरेंस, उसमें मैनेजर थे। और बीरूमल जी का जो इंश्योरेंस होता था, जो भी है कारोबार का, कार का, तो वहीं होता था। तो भाई साहब से उनका अच्छा परिचय था। तो बोले गुप्ता जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे देवियाँ आई हैं, आप उनका ज्ञान सुनो। तो वो बीरूमल जी ही गुप्ता भाई साहब को ले गए अपने घर पे। बहुत अच्छा लगा। तो गुप्ता जी ने, फिर कमला बहन जी ने युगल रूप में ज्ञान सुना। तो ये जो बात है ना कि बिठूर में ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिए भेजा गया और इतना यज्ञ किया, तो उसके बाद दो का जन्म हुआ, मनु का और शत्रुपा का। तो वो यहाँ प्रैक्टिकल लगता है कि कैसे दो निकले।